हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं आपके साथ एक रेसिपी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। कौन सी है वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो डाली थी और उसमें मैंने आपको पूछा था मेरे का घर में ये कौन आया है, किसको पता है, तो हाँ वो मेरी बेटी और मेरा नवासा है। वो मेरी बेटी आ रखी है आजकल सर्दियों में, मतलब कि आ रखी है, छुट्टी है आजकल स्कूल की, मतलब कि हमारे दामाद की छुट्टी है तो वो आ गई, मतलब की सर्दियों में या आ गई मम्मी पापा के पास। तो वो मेरी बेटी है और मेरी काफी सारे फ्रेंड ने बोला कि आप बताना कि कौन है वो, और काफी सारे जिनको पता है उन्होंने कमेंट करके बताया था कि ये आपकी बेटी और आपका नाती है। तो वो मेरी बेटी और नाती हैं, तो चलो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज की वीडियो, तो आप लोग देखिए और आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बना रही हूँ कड़ी। मेरी ज्योति ने बोला कि मम्मी कड़ी बना लो आज, दही पड़ी थी घर में, थोड़ा सा मैंने मक्खन था वो भी मिक्सी के जार में डाल के मक्खन बना दिया था, मलाई थी घर में तो उसका मक्खन बना दिया था, तो सब चीज़ था। मैंने कहा थोड़ा, उसने कहा कि कड़ी बना लो और एक न्यू तरीके से कड़ी बनाओ, इस तरह बनाओ, मतलब कि मुझे भी अच्छी लगती, पहले भी मैं बनाती थी, तो उसने कहा कि उस तरह बना दो कड़ी। और बुधवार का दिन है आज, 22 दिसंबर की ये वीडियो है दोस्तों। तो आपको यदि मेरी वीडियो यहाँ पे देख लेना कि मैं किस तरह कड़ी बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लहसुन डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया एक पिंच, और प्याज डाल दिए मैंने इसमें, लेकिन इसमें मेथी का तड़का भी डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा मेरा नाती भी क्या पता एक दो निवाले खा ले, तो उसके चक्कर में नहीं डाला क्योंकि बच्चों को कड़वा लगता है, क्योंकि हमारे बच्चे भी नहीं खाते थे जब बचपन में, तो नहीं डाला मैंने मेथी उसके चक्कर में। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर और हल्दी डाल दिया। तो मैं किस तरह बना रही हूँ वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और एक ऐसी चीज़ डालूंगी जिससे कड़ी का स्वाद दुगना हो जाएगा। तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल के और नमक डाल दिया, मिर्च आप लोगों को पता है कि मैं मिर्च नहीं डालती हूँ, नहीं ना के बराबर डालती हूँ, नहीं डालती हूँ। यहाँ पे मसाले पक गए थे और इसके बाद मैं इसमें मैंने जो बेसन का और दही का घोल बना रखा मैंने, ये
इसको मैं डाल दूंगी। पकोड़े मैंने पहले तल दिए थे, ये मैंने घोल इसमें डाल दिया। और कड़ी का कड़ी में माला कड़ी उबलने के बाद भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन आज मैंने इस तरह ये कड़ी बनाई। और इसके बाद जितना भी हमको यहाँ इसमें पानी चाहिए वो डाल दूंगी। और आज मैंने इसमें डाला है, ये है खीरा। खीरा मैंने कद्दूकस किया और इसको इसमें डाल के इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और यदि किसी को बनानी हो तो स्वाद इसका अच्छा आता है और अच्छा लगता है यदि इस तरह से बनाएं कड़ी तो, और हमें तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने इसमें जो पकौड़े तले हुए थे वो डाल दिए, दो चार बच्चों ने निकाल दिए थे खाने के लिए। और आप लोगों को पता है कि बच्चे खा लेते हैं, हम लोगों को नहीं होता उतना ज़्यादा मतलब, लेकिन बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, और कड़ी थोड़ा ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है, तो कड़ी को काफ़ी देर पकाना पड़ता है। और मेरा तो कम से कम आधा एक घंटा लग जाता है कड़ी पकने पे। तो यहाँ पे कड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, और इसको अब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया, उस पर से डाल दिया मैंने धनिया। तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी।